हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स एंड लॉ क्लासेस के अंदर मैं आप सबका अभिनंदन करती हूँ। आज जो हमारा सब्जेक्ट है वो है प्रारंभिक समष्टि अर्थशास्त्र, जिसको इंग्लिश के अंदर हम कह सकते हैं इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो एग्जाम का सीजन है, तो पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र के आधार पर हम लोग इसकी रिविजन करेंगे। तो ये जो अर्थशास्त्र है उसका ए पार्ट है, और जिसके अंदर हम जो एमसीक्यू प्रीवियस ईयर के पेपर में आ चुके हैं उसको रिवाइज करेंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन नंबर 1 to 10। अगर आपको मेरा ये यत्न सही लगता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स एंड लॉ क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो ये मेरी ऐप है, एडुसम ऐप है, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। ये जो ऐप है कॉमर्स इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए फ्री स्टडी मटेरियल और फ्री मॉक टेस्ट प्रोवाइड करती है। उसी तरह काफ़ी सारे स्ट्रक्चर कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। तो मैक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स का हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर कोर्स यहाँ पे उपलब्ध है। तो पहले हम देखते हैं कि MCQ 1 जो प्रीवियस ईयर के पेपर में आ चुका है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कथन 1 जो है प्राथमिक जमा, आम जनता द्वारा वाणिज्यिक बैंक में जमा नगद जमा होती है। कथन 2 जो है वाणिज्य बैंक द्वारा आम जनता को प्रदान किए गए ऋण को कारण उत्पन्न जो होते हैं उनको हम सेकेंडरी डिपॉजिट कहते हैं, कि जो प्राइमरी डिपॉजिट्स होते हैं जो आम जनता है कमर्शियल बैंक के अंदर जो नगद जमा करती है उसको कहते हैं। तो हमारे पास जो विकल्प है 4 हमारे पास विकल्प है, कथन 1 जो है ये सही है और कथन 2 जो है ये गलत है। कथन 1 गलत है और कथन 2 जो है सत्य है। दोनों कथन जो है सत्य है, दोनों कथन झूठे हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इसका जो राइट ऑप्शन है कि जो प्राथमिक प्राइमरी डिपॉजिट जो होते हैं वो आम जनता जो है कमर्शियल बैंक के अंदर नकदी जमा के रूप में रखती है, और जो दूसरा कथन है वो सही नहीं है। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो है ए। उसी तरह हम देखते हैं MCQ 2, तो यहाँ पे हम देखते हैं MCQ 2 जो है बाजार मूल्य पर राष्ट्रीय आय और साधन लागत पर राष्ट्रीय आय के बीच का अंतर। तो यहाँ पे हमारे पास 4 जो है उन्होंने दिए हुए हैं, जिसके अंदर से हमें राइट ऑप्शन भरना है, सही विकल्प को चुनना है। शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, विदेशों से शुद्ध साधन आय, स्थिर पूंजी की खपत, बाजार मूल्य। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो बाजार राष्ट्रीय आय जो मतलब जो नेचुरल इनकम एट मार्केट प्राइस और नेचुरल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट के अंदर जो डिफरेंस होता है वो शुद्ध अप्रत्यक्ष कर का होता है। तो पहली ऑप्शन जो है वो सही है। उसी तरह हम देखते हैं कि 2 के अंदर जो है इंटरनल चॉइस है, तो या तो हम जो पहला क्वेश्चन बताया वो कर सकते हैं या ये वाला क्वेश्चन जो है इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने जो है कि कौन सा वास्तविक, यहाँ पे हमें 4 जो है चित्र दे रखे हैं, 4 ऑप्शन दे रखी हैं, तो हमने बताना है कि कौन सा जो डायग्राम है जो वास्तविक प्रवाह को दर्शाता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ए ऑप्शन के अंदर क्या है कि देखो जो फर्में हैं वो वस्तुएं तथा सेवाएं जो है ग्रस्त को प्रोवाइड करती हैं, और यहाँ पे फर्में जो है और ग्रेस जो है साधन भुगतान जो है करते हैं, तो ये गलत है। ये जो है वास्तविक आय को, वास्तविक प्रभाव को नहीं दिखाता। जो दूसरा है कि फर्में जो है वस्तुएं तथा सेवाएं जो है ग्रेस जो हाउस होल्ड सेक्टर को प्रोवाइड करती है, और ग्रेस जो है उसको साधन सेवाएं जो है देते हैं। तीसरी ऑप्शन जो है फर्में जो है साधन भुगतान करती है और ग्रेस जो होते हैं खर्चा करते हैं। चौथे ऑप्शन के अंदर फर्में जो है वस्तु तथा सेवाएं जो है ग्रस्त को देते हैं और ग्रस्त जो है भोग व्यय करते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो सही ऑप्शन है रियल फ्लो होता है जिसके अंदर मौद्रिक का नहीं होता। यहाँ पे हम देखते हैं कि वस्तुएं तथा सेवाएं जो होती हैं फर्म जो है हाउस होल्ड सेक्टर को देती है और ग्रस्त जो होती है साधन सेवाएं देते हैं, तो ये जो है वास्तविक आय को करता है। तो ये जो बी ऑप्शन है ये वाली जो है यहाँ पे इसका आंसर जो है बी ऑप्शन है, क्योंकि ये वास्तविक आय को शो करती है। उसी तरह हम क्वेश्चन 3 देखते हैं कि वो दर जिसपे वाणिज्यिक बैंक कमर्शियल बैंक अपनी दीर्घकाल
जरूरतों को पूरा करने के लिए आरबीआई से उधार लेती हैं कहलाती है। तो यहाँ पे हमारे पास चार विकल्प दिए हुए हैं, एक है मार्जिन की आवश्यकता, बैंक दर, रेपो दर, रिवर्स रेपो रेट। तो जो सही ऑप्शन है वो है बैंक दर। बैंक दर वो दर है जिसपे कमर्शियल बैंक जो होती है अपनी लॉन्ग टर्म की आवश्यकता को पूरा करने के लिए आरबीआई से इस रेट के ऊपर उधार लेते हैं। उसी तरह क्वेश्चन नंबर चार हम देखते हैं जिसके अंदर कथन वन है और कथन टू है। निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। किसी राष्ट्र के द्वारा भुगतान संतुलन घाटे को वित्त पोषित करने के लिए विश्व बैंक से लिया गया उधार पूंजी खाते में दर्ज किया जाता है। इसका अर्थ होता है कि अगर हमारा भुगतान संतुलन जो है उसका घाटा है तो घाटा पूरा करने के लिए विश्व बैंक जो उधार विश्व बैंक से जो हम उधार लेते हैं उसको पूंजी खाते में दर्ज किया जाता है। तो ये कथन वन है। दूसरा होता है कि जो ऑटोनॉमस लेन देन होता है वो भुगतान संतुलन खाते की शर्तों से स्वतंत्र होता है। तो यहाँ पे हमने बताना है कथन वन सत्य है, कथन टू असत्य है, कथन वन गलत है और कथन टू सत्य है, दोनों कथन सही है या दोनों कथन झूठे हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि दोनों कथन जो है वो हमारे पास दोनों कथन जो है वो यहाँ पे हम देखते हैं कि सही है, क्योंकि जो भी हम विश्व बैंक से उधार लेते हैं उसको पूंजी खाते के अंदर दिखाया जाता है और जो लेन देन होता है वो भुगतान संतुलन खाते की शर्तों से स्वतंत्र होता है, जो ऑटोनॉमस लेन देन होता है। उसी तरह क्वेश्चन नंबर फाइव हम देखते हैं। निम्नलिखित समाचार रिपोर्ट को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। केंद्रीय बैंक ने हिसार शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड और अंडमान और निकोबार राज सहकारी बैंक लिमिटेड पर बैंकिंग मानदंडों का उल्लंघन के लिए जुर्माना लगाया है। तो दो सहकारी बैंक हैं, उन्होंने जो बैंकिंग नियम थे उसको तोड़ा है, उसके लिए केंद्रीय बैंक ने उस पर जुर्माना लगाया है। तो दी गई रिपोर्ट के मुताबिक केंद्रीय बैंक के किस कार्य की हमने ये जो जुर्माना लगाया है तो ये किस कार्य को दर्शाता है? क्या ये मुद्रा जारी करने के कार्य को दर्शाता है, जनता के लिए बैंकर है, सरकार का बैंकर है, बैंकर का बैंक है? तो यहाँ पे ये बैंकर का बैंक जो है, क्योंकि यहाँ पे केंद्रीय बैंक जो होते हैं दूसरे बैंक्स को रेगुलेट करते हैं, तो जब उन्होंने बैंकिंग जो नियम है उनको तोड़ा है तो उस पर जुर्माना लगाया है, तो ये फंक्शन जो है बैंकर का बैंक जो है दर्शाता है। उसी तरह हम देखते हैं कि यदि निवेश गुणक का मान जैसे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर जो है 4 है और जो हमारी बचत है -60 है, तो निम्नलिखित में से हमने सही सेविंग फंक्शन को पहचानना है। तो यहाँ पे हमारे पास चार ऑप्शन दी हुई है। यहाँ पे हम देखते हैं एस सेविंग फंक्शन -60 प्लस 0.25y, सेकेंड जो है -60 प्लस 0.75y, तीसरा जो है -60 प्लस 0.20y, चौथा जो है -60 प्लस 0.60y। तो हमने यहाँ पे राइट ऑप्शन बतानी है कि कौन सा जो समीकरण है वो सही है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो k है, जो निवाश गुणक है, वो 1/MPS मार्जिनल सीमांत जो बचत करने की प्रवृत्ति होती है उसका रेसिप्रोकल होता है, और यहाँ पे हमें के की वैल्यू दे रखी है। तो हमने 4 = 1/MPS, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से 4 MPS = 1, तो यहाँ पे हमने MPS की वैल्यू निकाल ली, ये आ जाती है 0.25। तो हमें पता है कि जो सेविंग फंक्शन है वो इसके बराबर होता है, माइनस सेविंग प्लस 1 - BY। तो यहाँ पे क्या है कि जो हमारी डिस सेविंग है वो है -60 और जो हमारा सीमांत बचत करने की प्रवृत्ति है जो हमने निकाली है वो है 0.25y। तो ये हमारी जो ऑप्शन है ये सही ऑप्शन है। उसी तरह जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसके अंदर इंटरनल चॉइस है, या हम पहले वाली ऑप्शन कर सकते हैं या हम ये वाली ऑप्शन कर सकते हैं। तो दिए गए उपभोग फंक्शन के लिए C = 205 प्लस 0.9y, तो यहाँ पे हमने निवेश गुणक का मल जो है बताना है। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन दी हुई है 09.09, 10.99।
तो यहाँ पे इस तरह से आपने सही ऑप्शन निकालनी है। देखो यहाँ पे हमें पता है कि जो k है वो इसके बराबर है, 1 - 1/(1 - MPC) और एमपीसी हमें दे रखा है 0.9। तो ये जो है ये 205 जो है ऑटोनॉमस कंजम्पशन है, 0.9 जो है ये एमपीसी है। तो यहाँ पे हमने डाल देना है 1 - 1/0.9, तो ये आ जाता है 0.1010। तो यहां से के की वैल्यू आ जाती है 10। तो ये हमारे पास क्या है, ऑप्शन जो है 10। तो ये राइट सॉल्यूशन है। और उसी तरह यहाँ पे हमें अभिकथन ए दिया गया है और उसका कारण दिया गया है। तो जो अभिकथन ए है उसके मुताबिक कि जब आय का ब्रेक इवन स्तर तक पहुंचने से पहले औसत उपभोग प्रवृत्ति का मूल्य 1 से अधिक होता है, क्योंकि जब ब्रेक इवन पे पहुंचती है तो वहां पे ये 1 के बराबर होती है, उससे पहले ये 1 से अधिक होती है। कारण जो है एपीसी उपभोग करने की औसत प्रवृत्ति कुल उपभोग और कुल आय का अनुपात होती है। तो क्या दोनों जो अभिकथन है और कारण दोनों सत्य है? कारण आर जो है कथन ए की सही व्याख्या करता है, अभिकथन तथा कारण दोनों सत्य हैं, सही है। कारण आर जो है वो उसकी सही व्याख्या नहीं करता। अभिकथन ए सत्य है लेकिन कारण गलत है, अभिकथन ए गलत है लेकिन कारण आर सत्य है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो पहली ऑप्शन है कि जो अभिकथन है कारण है दोनों ही सही है, और जो कारण है वो उसकी ए की सही व्याख्या करता है। उसी तरह हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 है, उसके अंदर भी दो मतलब इंटरनल चॉइस दे रखी है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 का जो पहला ऑप्शन है, मान लीजिए किसी देश का व्यापार संतुलन 50,000 करोड़ रुपए का घाटा दर्शाता है, तो इसके अंदर जो चीजें दिखती हैं उसका आयात और जो चीजें दिखती हैं उस मतलब जो दिखने वाली जो चीजों का आयात कहलाता है वो दिखने वाली वस्तुओं के निर्यात का 5 गुना है। तो हमने बताना है कि जो दृश्य वस्तु है उनके निर्यात का मूल्य 1 करोड़ रुपया होगा। तो यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन दे रखी हैं, 20,000, 10,000, 12,500 और 20,300। तो यहाँ पे हमें जो है बैलेंस ऑफ ट्रेड हमें पता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, तो ये नेगेटिव है, -50,000 करोड़ है। इंपोर्ट जो है एक्सपोर्ट का 5 गुना है, तो यहाँ पे हम अज्यूम करते हैं कि एक्स जो है हमारी एक्सपोर्ट है, तो इंपोर्ट हो जाएगी 5x। तो यहाँ पे अब हमने x - 5x विच इज इक्वल टू -50,000, तो यहाँ पे -4x विच इज इक्वल टू -50,000, तो ये माइनस माइनस कट हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 50,000/4, तो यहाँ पे हमारी जो एक्सपोर्ट है वो है 12,500 करोड़। तो इस तरह से हमने इस एमसीक्यू को सॉल्व कर लेना है। तो ये हमारी राइट ऑप्शन है सी। उसी तरह जो सेकेंड ऑल्टरनेटिव है, विदेश भेजे गए उपहार और प्रेषण का भुगतान के जो हम बाहर गिफ्ट भेजते हैं, रेमिटेंस भेजते हैं, उसको भुगतान संतुलन में डैश खाते के डैश पक्ष में दर्ज किया जाता है। क्या वो पूंजी खाते में क्रेडिट पक्ष में दर्ज होता है, क्या वो पूंजी खाते में डेबिट पक्ष में दर्ज किया जाता है, क्या वो चालू खाते में क्रेडिट पक्ष में दर्ज किया जाता है, क्या वो चालू खाते में डेबिट। देखो जब हम बाहर जो है उपहार और रिमिटेंस भेजते हैं तो वो करंट अकाउंट और उसके डेबिट पक्ष के अंदर जो है रिकॉर्ड किया जाता है। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 9 जो है बहुत ही इजी है कि कौन सा समीकरण जो है सही है। तो सही विकल्प का हमें जो है सिलेक्शन करना है। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, MPC + MPS इज इक्वल टू 0, सेकेंड जो है डेट इज इक्वल टू 1, थर्ड ऑप्शन इज मोर देन 1, फोर्थ जो है डेट इज लेस देन 1। तो जो इसकी राइट ऑप्शन है वो है इक्वल टू 1, तो बी जो है डेट इज द राइट ऑप्शन। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 10, ऐसी स्थिति जिसमें सक्षम व्यक्ति मौजूदा मजदूरी दर पर काम करने को तैयार नहीं होता उसको हम ये कहते हैं, पूर्ण रोजगार, अनैच्छिक बेरोजगारी, स्वैच्छिक बेरोजगारी और डिस्गाइज बेरोजगारी। देखो जब जो सक्षम व्यक्ति है मजदूरी दर पर काम करने को तैयार नहीं होता, वो अपनी इच्छा से बेरोजगार होता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि सी जो है डेट इज द राइट ऑप्शन।